टाइगर रिजर्व के मड़ई में शुरू हुई प्रथम सोलर बोट प्रदेश सरकार की प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल। वन विभाग ने राज्य सरकार की सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। नर्मदापुरम जिले के मड़ई स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पर्यटकों के लिए सोलर बोट का संचालन शुरू किया गया है। प्रदेश की यह पहली बोट होगी जो सौर ऊर्जा से संचालित होगी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी और क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व श्रीमती राखी नंदा ने 10 नवंबर को सोलर बोट का उद्घाटन किया। सोलर बोट की क्षमता 13 व्यक्तियों की है, जिसमें 2 किलोवाट के सोलर पैनल, 8 किलोवाट के 2 इलेक्ट्रिक इंजन, 16.5 किलोवाट की क्षमता के 2 लिथियम आयन बैटरी सिस्टम से लैस हैं। सोलर बोट नवगति मरीन डिजाइन एवं कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इरनाकुलम केरल की कंपनी द्वारा 37.5 लाख की लागत से निर्मित की गई है। उन्होंने बताया कि सोलर बोट के संचालन से न केवल पेट्रोल की बचत होगी वरन प्रदूषण भी नहीं होगा। श्री कृष्ण मूर्ति ने बताया कि सोलर बोट में इलेक्ट्रिक इंजन के कम आवाज होने से पर्यटकों को पक्षियों के दर्शन में एक बेहतर अनुभव होगा और वन्य प्राणियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा। विजय द्विवेदी की रिपोर्ट।